गाओ, क्या गा रही थी? गाना खोया है रास्ता, क्या ऊंचा गा काश रही? तुम ऐसे आए। क्या हाल चाल आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम ना आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो बहुत रश लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और सर्दियों में हमें लग गई है। आप सर्दियों में आपको पता है जितना भी खा लो फिर भी भूख लगी रहती है, तो मुझे हमें तीनों को फिर से भूख लग गई। तो हमने कहा चलो, पहले हम फूड पांडा से मंगा रहे थे तो फूड पांडा पे ना डील्स अच्छी नहीं थी और एक्सपेंसिव भी थोड़ी लग रही थी हमें, तो हमने कहा नहीं नहीं हम इधर से नहीं मंगाते तो हम खुद लेके आते हैं। तो यहीं से आगे बैठी हुई आज और मैं बाहर पीछे बैठी हुई। तो क्या कहते हैं, अभी हम जा रहे हैं घर के पास है हमारे मैकडॉनल्ड, बहुत ठंडी हवा लग रही है। हमारे घर के पास इतने ज्यादा तीन लगते हैं जिनमें से एक के पास जाएंगे हम। हम मुझे तो लगता है हमारे एक आता फिर दूसरा आता फिर तीसरा। हाँ तो क्या कहते हैं, अब चलते हैं, तो खाना आता फिर हम आपसे बात करते हैं, वेट करें। इनको कह दिया हमने मेन्यू ला दो, पहुँच गया मैकडॉनल्ड। जिस वाले मैकडॉनल्ड में आया इधर ड्राइवर छू नहीं है, इधर बाहर खड़े होकर ऑर्डर देना पड़ेगा। हाँ फ्रेश देते हैं बिल्कुल। तो इधर हमारी एक मटन्नो होती है बड़ी प्यारी, नज़र नहीं आ रही, यहाँ छुप गई है। मटन्नो मीनिंग हमारी कैट है, बहुत प्यारी। इधर वो मैकडॉनल्ड का शेक पीती है, आइसक्रीम शेक पीती है, चिकन पीस खाती है, स्ट्रॉबेरी शेक पीती है, इतनी क्यूट लगती है। ये आ गई, ये हमारा ऑर्डर लेते हैं हमेशा, इनकी मैं वीडियो बना रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वो ना आपका 550 वाला चिकन पीस और हमारी बैड लक चिकन पीस, ये कह रहे हैं थोड़े हैं, एक चिकन पीस मिलेगा। पौने 9 बजे तो हम ये फिर दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं उधर चले जाएं, उधर आपको चिकन पीस मिल जाएंगे। अभी हमारे पास आज बहुत सेल हुए हैं तो इसीलिए 10 बजे ही हमारे पास चिकन पीस ख़त्म हो गए हैं। तो हमारी मटन्नो इधर कहीं नहीं नजर आई, सब जगह देखा हमने। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे, उधर ड्राइवर हुआ है वो दिखाते हैं आपको। सर्दियों के दिन में ना गाओ, क्या गा रही थी? गाना क्या ऊंचा गा रही थी? ऐसे बुरी लग रही हूँ, मैंने इतना बुरा रबटा लिया हुआ है इसलिए लिया मैंने। ऐसे ही आया फटाफट, बाल मेरे गीले थे तो मैंने कहा ये ना हवा लग जाए फिर मुझे जुकाम खांसी हो जाए, कोरोना में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए मैंने अपना जो से भी हुआ जिससे छीले की औरतें नहीं करती मैंने वैसे करके ले लिया उसका। नो बेबी नो, मंजिल मंजिल रुसवा है, खोया है रास्ता। बंदा समझ जाएगा, काश तू ऐसे आए। मुझे नहीं गाना गाना आता, मतलब सिंगिंग सारों को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। मैं लोरी गाती हूँ, लोग कहते हैं लोरी नहीं तुम कौन सी लोरी, सॉरी कह रही हो। मैं भी गाती हूँ, मैं गाती हूँ। तो आप क्या कहती हो? अपनी तो हटबटा उतार के तो कैसे बाल आगे कर लिया। हिजरा क्या कहती है आप? जब कौन सी लोरी सुनाती है, पहले लोरी तो सुनाओ। कौन सी? मैं लोरी सुनाती हूँ। नहीं आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, ये मत गाना, आओ तुम्हें चांद पे, बच्चे डर के आधी रात को उड़ देंगे, मेरे पास आएंगे खाला मामा में जीना है। मैं वो तुम्हें चांद पे ले वो मैं ऐसे ही बोल रही थी पर मैं बहुत अच्छी। अच्छा चलो बोलो। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, एक नई दुनिया बनाए, छोटा सा बंगला बनाए। ओए मैं आप देख रही हूँ अपने आप को, नहीं मैं भी ऐसी उठ के आई हूँ, सब ऐसे ही उठ गए। चलो भाई इतनी देर लंबी लाइन है ड्राइवर थ्रू में, सर्दियों में भूख लगे ना तो दिल करता उसी वक्त खा लो, बर्दाश्त नहीं होती है ना। ड्राइवर थ्रू या ड्राइवर थ्रू, थ्रू तो फेंकना था ना, ड्राइवर थ्रू THRU। उस दिन मेरी और खजरा की बहस हो रही, ये कहती स्पिरिट को कहते हैं रू, मैंने कहा सोल को कहते हैं रू, तो हमने जब गूगल मारा दोनों को ही रू कहते हैं, तो इसको यूज किधर करते होंगे या आप लोग बताओ। जज्बा भी तो होता है,
हाँ मैंने इसको बोला स्पिरिट वो होता है वो जो मैजिक जादू मैजिक पर गूगल ने गलत नहीं ना बताया था रूही होता है हाँ पर ये आपने मुझे बताना है स्पिरिट कौन से सेंटेंस में यूज होता है और सोल कौन से सेंटेंस में है मेरी बात सुनो ये वैसे वर्ड है ना जैसे कि हम कहते थे सॉरी अब आता है अपोलोजाइज ऐसे ये वर्ड शुरू हुआ है पहले कहते थे सोल अब कहते हैं स्पिरिट तुम्हारी इंग्लिश ने दादो बोला तो आप लोग भी बताएं कि ये सब सही है तो अभी हम ड्राइव थ्रू में खड़े थे तो चलो अभी हम देने लगे ऑर्डर आ गया हमारा आ गया भाई हम बिजी होने लगे ये रहा स्पाइसी क्रिस्पी 550 का ये इनकी डील है और ये इनकी आ गई कि एक डील चल रही है और एक उनका हैप्पी मील है और वो बॉक्स है तो इनका ये मिंट वाला भी आया है तो अभी हम कराने लगे हैं तो मैं आपको बताती हूँ फिर कौन कौन से हैं एक आपने ब्रेस्ट डाल दिया तो ये हमने खाना ले लिया चिकन पीस हैप्पी मील और ये बर्गर है फ्राइज है और ड्रिंक्स आगे हफ्जा के पास है तो अभी हम घर जा रहे हैं तो शीशा नीचे किया था बहुत ठंड थी चोर भी बहुत आप सही लग रही हो क्योंकि मैं घर आ गई हूँ मैंने आते ही उतार दिया है और आगे मैंने गीले बालों में ऐसे स्कार्फ ले लिया मेरे बाल ऐसे चिपक गए आगे से कोई बात नहीं कभी कभी दिल करता है ऐसा हेयर स्टाइल रखो लड़कियाँ रखती हैं ना यूँ अगर मैं रखूँ तो आपने मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ चुड़ैल तो नहीं चाहती कि मैं ऐसी रखूँ कभी भी नहीं चांद पे ले जाए कभी भी ना मैं ऐसा हेयर स्टाइल रखूँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ थैंक यू इंग्लिश कपड़ों में ही अच्छी लगती हो आप नहीं मैंने कहा बैक कैम कर दूं मेरा हाथ थक गया था ऐसे ऊपर करके चलो हाँ जी जूस इन्होंने इसमें क्यों दिया लगता है ये जूस अपना बनाने लग गया मिटोल वाले नहीं मुझे लग रहा है वो छोटे डिब्बे नहीं थे वो बड़ा डिब्बा था जो होता नहीं नेस्ले का वो उसने कपों में फिल करके दिया नेस्ले के ही देते हैं हाँ पी के देखो कैसा नेस्ले का टेस्ट आ रहा है या इन्होंने अपना बनाने लग जाएंगे ना तो वो ज़्यादा महंगा करेंगे फिर वो अलग से वो भी करेंगे ना डिस्प्ले पे शो करेंगे हमारा ये जूस आया दिखाओ नेस्ले है ना मैं कह रही हूँ ना बड़ा डिब्बा होगा उसको इन्होंने इसमें डाल दिया छोटे डिब्बे खत्म हुए होंगे इनके पास नेस्ले का एप्पल जूस बहुत खट्टा खट्टा है ना ऐसे करा दे चलो आ गया मैकडोनल्ड का दीवाना चिकन पीस का दीवाना वो आती है तो हम अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं मैंने आज बनाया चिकन चने की दाल सही घोट के हलीम टाइप चावलों के साथ वो खाई तो कहती बोतल ला दो मैं मरने वाली हो रही हूँ ये हमारा नशा बन गया ना एक पता नहीं जी कौन सा नशा करता है सर जी आई लव यू नशा करता ये हमने एक शेर बनाया तीनों बहनों ने पता नहीं जी कौन सा नशा करता है सर जी आई लव यू नशा करता है आजकल ये बहुत हमारे घर में ना जोक चल रहा है जैनम ने बनाया था ये चलो वो आगे कोई नहीं बनाया ऐसे जोक मैं नहीं बनाती गो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है सर जी आई लव यू नशा करता है अच्छा जोक ना ये हम तीनों ने शेयर की शायरी की है तड़प रहा है एप्पल जूस है नेस्ले का तू नहीं पी सकती मेरा ये बहुत खट्टा और बहुत खट्टा हां तब खाना हम खोल लेंगे जल्दी खोलो ना अपन टी-शर्ट मेरा खाना व्लॉग के चक्कर में ठंडा ना कर देना ये लो चलो अल्लाह हाफिज़ बोलो खोल रही हो ना तू लड़के आ जल्दी छोड़ ये तो आप अपना हैप्पी मील खो रही हो अजूल पुट पिछटे
मैक स्पाइसी क्रिस्पी। और जो सबसे बड़ी बहन है ना वो मिनी बर्गर खाती है, देखो फिर वो भी बीफ में। और वही मोटी होती है हाँ मोटो। और ये है वो एप्पल पाई, स्ट्रॉबेरी पाई लेना था पर वो नहीं था, लेट हो गया ना एप्पल पाई। ये अजूर बहुत शौक से खाता है, ये जो चिकन पीस पड़े हैं ये वुड बहुत शौक से खाता है, ये हमारे मिकडोलन ये दोनों ही बहुत शौक से खाते हैं। हम तो खाना कितना तड़ा हां तू थी ना साइड पे इसलिए दिखा रही थी। वो देख कितना तड़ा है अजूर, इधर आओ मेरे पूरे फ्राइज देना जो डब्बे में गिरे हैं वो भी। इधर आओ, अभी पता नहीं है किस किस पे आओ। बहुत मजे के फ्राइज हैं, चलो मैं खा सकती हूं अबे। हां जरा पिक्चर ले लो फिर बाद। आज मैंने ये कलर लगाया है, ब्लर हो रहा है, आज मैंने ये कलर लगाया है। आप सही है, बस चलो जाना बिल्ला ऑफिस बोलो और मैं खाने लेके खाना। चलो बंद कर दो आप, क्या हुआ क्यों हंस रही है? अपने सारा कुछ खा लिया सब, ये चिकन पीस खा लिया और ये सॉसेज ये मेरी कमर के पीछे पड़ी रह गई। 40 रुपए की 20 की हुआ 20 की वो एक मस्टर्ड सॉस दी थी, एक बारबेक्यू सॉस। ओ मेरी चाय भी तो रह गई, वो तो तू एंड में पी। आप लोगों को पता ना यू बैक, हमने सारा ठूस लिया खा लिया सब कुछ खा लिया ठीक है। को शो खाने का ये सिर्फ आपने उठा के रखा। नहीं ली किसने थी, मुझे अपनी सारी चीजें याद। सब इसको मिलके चलो, तो एप्पल जूस ले घूम, बहुत खट्टा है। इसको दे दे भी ये तो पी लो ना, मेरे यहाँ पे जो जख्म हुआ ना उस पर लगता रूह की भी रूह कांपती है। माय सोलमेट, माय सोलमेट, पता कौन है माय सोलमेट? कौन बताती? योर सोलमेट ए आर ए आर ए आर रहमान। ए आर रहमान गानों वाला नहीं है इंडिया में? अल्लाह तौबा, इतना बुरा ये क्यों है? चेरी माय सोलमेट। अच्छा मैं समझी पजामा ने कहा क्या, अलमारी भी नजर आ रही है। चलो बस ठीक है, ना बगैर पूछे दिखाते नहीं है। क्या नहीं दिखाते? ये कबर्ड उसने खोले में नजर तो आ रही है, कबर्ड नहीं आ रही है, कबर्ड बस। और ये खाना खाया वुड ने तो नीचे गन मचा दिया, इससे खेलता वुड अजूर भी वुड भी ये लो अजूर वुड। ओहो निशाने ही मेरे गलत होते हैं सारे। चलो ना चीजें उठा लो, नींद भी आ रही है। उधर गई मैं, उधर गई, देखो मैंने सॉक्स पहने हैं ना, ऐसे लग रहा है मैं लिया था, मैंने लोशन लगा के, लोशन लगा के ऐसे लग रहा है हमने ना जिंदगी में 3 साल बाद खाना मिला, हमने चिप्स का एक चिप्स पे कभी नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा। तो ये मैंने अच्छा यानी कि नहीं खाया, पूरा खाया, बर्गर पूरा खाया, चिकन पीस खाया, फ्राइज खाया और थोड़ा सा बचाया ना, तो जिंदगी में पहली बार मिला था। 10 साल बाद हमने खाना खाया तकरीबन। देखो क्या मत आ जानी है मेरी, देखो देखो ये भी एक सीक्रेट है, चन मेरे मखना क्या है, चन मेरे मखना। आपको आजकल ये स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है, इतना बस करो बस करो, कसम से बहुत बुरे लगे। डांस करना मना था ना स्टेज पे, तो बस वो खड़े खड़े कर पर तुम 90s के लिए 2000 या 2 में तो पैदा हुई हो तुम। सारी टीवी पे दादा भूजा दादा देखते थे शो हाँ, तो तुम्हें होश ही नहीं था 10 में आई थी, 10 में दादा फोत हो गई थी। तो मैं मुझे बचपन की बातें याद है ना, मेरा ज़हन तेज है, ये बस लड़ाई करती रही। ये मेरी बहन एक वाहद है,
जो ना 80s के जमाने की सॉन्ग है ना, इसको याद है पैदा ये हो गया 80-81 में। हां 80-81 में पैदा हो गया। गाना मैं पैदा हुई थी, मैं बुरा कितने की बनती हूं 40 साल की। हां तेरी हो, वो यकीन ही नहीं करेगा 80s 80-81 में। हां मैं पैदा हुई हूं। हां 80-81 में इसको, मैं 40 साल की हूं। हां ये हमारी बहन को कदीम जमाने की बातें भी बहुत याद है, कहती है मैं उस दौर में भी थी, मैं गोद में थी मामा की शायद, मुझे याद है। वो हाफजा तेरा हाफजा, फिर वो बात निकलती है ना सही। चलो अच्छा, इनके किसी बात पे दोनों की बहस होती है ना, कोई सॉन्ग ना याद आ रहा हो या कोई हिस्ट्री ना याद आ रही हो, फिर ये दोनों आके मेरे से पूछते हैं, फिर मैं फैसला करती फाइनल। चलो कचरा रह गया हमारे पीछे। अपनी वीडियोस में पूछो आपको तीसरी बहन को वीडियो में आना चाहिए कि नहीं, अगर लोग कमेंट करेंगे। व्लॉगिंग में आए व्यूअर हमारे बड़े कम आ रहे हैं। हम इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं ये ना हमारी ना वो होती ना एक लकी, इसकी ना इन चीजों में बड़ी किस्मत है, क्यों आना। हाँ। ये सारी इनकी चाल सुसियां है, चाल सुसियां क्या कहते हैं, तो जो जो नीचे कमेंट करेगा ना कि हिजरा को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए हमारी वीडियो में व्लॉग में, आप लोगों ने उसको देखना या नहीं देखना, तो जो जितने कमेंट करेंगे ना फिर उस हिसाब से हिजरा बताएगी क्या आना है नहीं। कितने कमेंट होने चाहिए, 5,000 और कमेंट बड़ी, तुम सेलिब्रिटी तुम्हारे से एक नाम लेने से 5,000 रुपए बस। कमेंट बॉक्स में जितने भी जैम के फैन डेली वीडियो देखते हैं ना, उन्होंने कहना है कमेंट में करना है कि आना चाहिए। सोना तेरे हाथ में कूड़ा, मैं थक गई हूं। कचरा नानी हमारे पीछे पड़ी हुई है कि मैं बस थक गई हूं, मैं कचरा मैं करने लगी हूं, तो फिर अब ये जाती है जरा, फिर मैं आपसे बाय। तो अब आपसे कल मिलते हैं नए अच्छे ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग यही था, हम लेट नाइट गए, बाय। हजूर को बेचैनी हो रही है, कुछ मसला पड़ रहा है, सर्दियों में पौने नौ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, सर्दियाँ हो जाती हैं तो लोग ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो कल मिलते हैं एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।